रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वह के साथ होंगे। आइए इन शवल आज की इस वीडियो से उर्दू की एक नई सीरीज़ शुरू की जाएगी जिसका नाम है उर्दू के सवालत और उसके जवाबात पार्ट वन ठीक है ना इस तरह का टाइटल नेम होगा और ये इसको शुरू करने का पहला मकसद तो यही है कि अभी तक जो हमारी चैनल पर बहुत सारे लोगों ने उर्दू सीख लिया है बहुत सारे लग लोग सीख रहे हैं सीखने का जारी है कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी मालूम होगा कि उर्दू की जो पाँचों किताबें इसमें उर्दू कायदा आ गया और उर्दू की पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं जिसका नाम है तामीर अदब तो तामीर अदब के जो ये जैसे दूसरा हिस्सा इस तरह पाँच हिस्से हैं पाँच वॉलीम है तो उन पाँचों किताबों को यूट्यूब पर पढ़ा दिया है पढ़ा दिया गया है इसके अलावा और भी बहुत सारा जो उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाला कंटेंट है वो रखा गया है वो अलग बात है अभी वो टॉपिक नहीं है मेरा लेकिन पहली बात ये कि वही उर्दू की किताबें जो मैं रख चुका था आज से तकरीबन दो साल पहले लोग अभी देख रहे हैं पुरानी वीडियोस को लोग देख करके सीख रहे हैं तो बार बार कमेंट्स यही आते हैं कि आपने इसके सवाल जवाब पहल नहीं कराया इसके सवाल जवाब भी बताइए तो आइए इन्हीं सब्सक्राइबर्स के उन कमेंट्स के बिना पर मैंने सोचा कि चूंकि हर एक को कमेंट में अलग अलग जवाब देना लिख करके इससे तो ज़्यादा बेहतर मुनासिब यही होगा कि एक सीरीज़ शुरू कर दी जाए जिसका टाइटल नेम यही होगा उर्दू के सवाल जवाब है ना उर्दू के सवाल और उसके जवाब पार्ट वन तो अब पार्ट वन में आइए हम पढ़ेंगे कुछ दो तीन सबक के सवाल आपके सामने में हल करूंगा उसी किसा किताब में से जो पढ़ चुके हैं आप यूट्यूब पर ठीक है इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा पार्ट वाइज ठीक है तो अब देखें ना ये सबसे पहले तो उर्दू कायदे में कोई सवाल जवाब नहीं है आप पढ़ चुके उर्दू की पहली किताब में भी कोई सवाल जवाबत का सिलसिला नहीं है अगर सवाल शुरू होते हैं तो तामिर अदब दम यानी उर्दू की दूसरी किताब से और अगर हमारी उर्दू की सीरीज़ आप देखेंगे पहले की तो उसमें चौबीस पार्ट तक पहली किताब ख़त्म होती है फिर पच्चीस से दूसरा जो हिस्सा है तामिर अदब का वो शुरू हो जाता है इसमें सबसे पहले जो आप देख सकते ये ये पहले तो मतलब कि दुआ है ये भी पढ़ चुके हम अब देखिए ये पूरा सबक है अब ये इसमें मैं सबक नहीं पढ़ाऊंगा आपका चूँकि इससे पहले आप पूरी सीरीज़ देखें ना उसमें बन चुके है इसकी वीडियो ठीक है तो इसके जो सवाल आते हैं उसको हमें हल करना है आइए इसको हल कर लेते हैं पहले देखिए पहला सवाल क्या है ज़मीन आसमान सूरज चांद का मालिक कौन है तो आप देख सकते हैं जो सवाल हमने पढ़ा कि ज़मीन आसमान चांद सूरत का मालिक कौन है तो इसका जवाब समझ समझिए कि इसको पहले तो इस तरह ही हमें लिखना है याद करना है कि ज़मीन आसमान सूरत चांद का मालिक अल्लाह ताला है मार मारो क्या इसी का टाइटल नेम है जो सबक का वही पहला जवाब है ठीक है इस तरह देखिए दूसरा सवाल है हम सबको रोज़ी कौन देता है है ना रोज़ी यानी जो हम कमाते हैं जो हासिल करते हैं कमा करके खर्चे के लिए जो भी हमारे पास मतलब के ए, किसी भी सूरत में पगार की सूरत में सैलरी की सूरत में खाते तो हम है ना उसी की दी हुई रोजी से ना तो हम सब को रोजी कौन देता है अब इसको ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा सबक को मतलब के यहाँ से देखना है कि देखिए ये मालिक है उसी ने देखिए ये सूरत बनाया जो पहला सवाल उसी से ताल्लुक है अब देखिए यहाँ पर कि सबको यहाँ से सबको वही रोजी देता है अब आपको जवाब में इस तरह नहीं कि सवाल में क्या बताया गया कि हम सबको रोजी कौन देता है जिस तरह हम सबको रोजी है ना वही देता है यानी क्या मतलब कि हम सबको अल्लाह अजवजल ही रोजी देता है ये हो गए दो सवाल तीसरा सवाल है गाय है ना बेल भैंस घोड़ा हाथी तोता मैना किसने पैदा किए तमाम जानवर और जो भी परिंदे वगैरह ये सब नाम है ना तो ये किसने पैदा किए अब देखिए ये सब तो एक सवाल के तौर पर पूछा गया इन सब को अगर ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा लेकिन हमें क्या करना है कि गाय बैल भैंस घोड़ा हाथी तोता ये सब मै ना इतना लिखना है और बोलना ये सब अल्लाहल ने पैदा किए ठीक है चल अब इसके बाद वाला जो सबक है वो अरबी वाला है इसके बाद जो सबक है सरकारी मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम इसके सवालत को भी हल कर लेते हैं देखिए ये रहे ये पार्ट वन ही में ये सवाल आते हैं देखिए पहला कि प्यारे मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम वहाँ पैदा हुए और किस शहर में इंतकाल फरमाया पैदा हुए यानी बर्थ जन्म और इंतकाल फरमाने यू ज़ाहरी दुनिया से पर्दा फरमा लिया तो देखिए इसका सवाल पहले ही है इस पैराग्राफ से हमें पढ़ना है इस लाइन को छोड़ देना है और मतलब ये दूसरा पैराग्राफ है ना उससे हमें इसको जवाब को स्टार्ट करना है कि हमारी नबी सरकारी मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए ये पहला सवाल का जवाब बता रहा हूँ मैं जब तिरपन साल है ना उम्र शरीफ हुई तो हमारे सरकार मदीना सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे सरकार मदीना तशरीफ़ ले गए और इसके बाद देखिए ये सवाल का जो दूसरा हिस्सा था फिर दस साल के बाद मदीना शरीफ में इंतकाल फरमाया ये हो जाएगा दूसरे का जवाब ठीक है पहले का जवाब मतलब दोनों सवाल के दोनों जुज़ हैं ना जुज़ यानी हिस्सा कहाँ पैदा हुए वो मक्का शरीफ़ में और किस शहर में इंतकाल यानी मदीना शरीफ में चले दूसरा सवाल है हमारा कि सरकारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम क्या है यानी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यानी अब्बू है ना फ़ादर और वालिदा यानी अम्मी ठीक है मदर आइए इसी को भी यहीं तलाश कर लेते हैं पहले ही पैराग्राफ के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए हेरा यहाँ से दूसरे सवाल का ये जवाब है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम यहाँ पर हमें जब नबी कहें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है ठीक है कि नाम हजरत अब्दुल्ल तआला तह ये हो गया हज़ूर के वालिद का नाम और वालिदा यानी अम्मी का नाम हजरत आमीना तआला ताल है ठीक है अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर अब्दुल्ल रज़ी अल्लाह तहो अलग से नहीं है और यहाँ पर अलग तो दोनों का एक साथ ऱी अल्लाह तहुम ये दोनों को शामिल है। अच्छा ठीक है तो ये हमारा हो गया दूसरे सवाल का भी जवाब चले तीसरा जो सवाल है कि प्यारे नबी वसल्लम का नाम सुनकर क्या पढ़ना चाहिए जब भी हुजूर का जो नाम है ना अलका बात अलग बात है लेकिन जो नाम है जैसे महमद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका हजूर पाक अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका मक्की मदीने के ताजदार दोनों के मालिक मख्तार आका नामदर मदीने के ताजदार दोनों के मालिक व मख्तर हजूर अहमद मुशतबा महमद मुस्तफ़ा तो ये जो नाम आते हैं ना हजूर के प्यारे आका के तो क्या पढ़ना चाहिए सबक में बतलाया गया है से पढ़ेंगे ना तो आप ही को हर जवाब मिल जाया करेगा देखिए यहाँ पर यहाँ से वैसे तो है कि सरकारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जब प्यारे नबी का नाम लेना हो ना तो यूँ कहो कि सरकारी मुस्तफ़ा सल अलैहि वसल्लम या इस तरह कहो हुजूर हजूर अलैहि वसल्लम यानी वो जो शरीफ है ना उसको पढ़ना है अब सवाल क्या है कि सुनो तो क्या करना चाहिए ना तो ये इसका ये कि जब दूसरे आदमी से हमारे सरकार का नाम सुनो तो फौरन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ो यानी इसको इस तरह हमें सेट कर लेना है कि प्यारे नबी वसल्लम का नाम सुन सुनकर सल्लल्लाहु सल्ला पढ़ना चाहिए अब भाई ये इसके बाद वाले सबक को भी ले लिया जाए ताकि ज्यादा लंबी सीरीज भी ना हो अब देखिए ये जो है सबक इसके बाद वाला ये है है ना लाल तीन लालची आदमी आपने सुना होगा पूरा वाक्य लालच वाला ठीक है तो इस काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक्य ना देखा हो तो देख लीजिए अच्छा देखिए पहला तीसरे आदमी ने खाने में जहर क्यों मिलाया तो ये पूरा सबक आपने पढ़ा होगा ना तो सबक को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना हमें फॉर्मेलिटीज़ के लिए बल्कि उसको याद रखना उसका जो फफहोम है उसे याद रखना मफह यानी जो समझ में आया इससे हमें क्या हासिल हुआ वो समझ हमारे अंदर उसकी सम, जो हमारे जहन में होनी चाहिए कि पूरे सबक में हमें क्या बताना चाह रहे हैं पूरे वाक्य में क्या है तो मतलब तीन आदमी है ना तीनों जा रहे थे रास्ते में सफर के लिए देखा रुके जंगल में सोने कीटे उनको देखी हुई मिली तो दो लोगों को ये कहा कि तुम दोनों मतलब के शहर जाओ खाना लेकर आओ एक वहीं रुक गया ठीक है तो देखिए तीसरा जो शख्स था उसने खाने में जहर क्यों मिलाया तो इसके लिए हमें आ जाना है यहाँ पर ये फिर तीसरा आदमी फिर नहीं लिखना तीसरा आदमी खाना लेने के लिए गाँव की तरफ चल पड़ा है ना इतने में उसकी नीयत बदल गई उसने अपने मन में यानी अपने दिल में सोचा कि अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो बड़ा अच्छा होगा ठीक है देखिए क्यों मिलाया क्योंकि जब मेरे दोनों साथी जहरीले खाने को खाएंगे तो मर जाएंगे और ईंटें सब मेरी हो जाएगी यहाँ तक ये यह जवाब पूरा हो जाएगा फिर लिख देना है ना कि इसीलिए तीसरे आदमी ने खाने में जहर मिलाया देखिए दूसरा सवाल क्या है सोने की ईंटें क्यों धरी रह गई धरी यानी पड़ी रह गई ना किसी के हाथ में नहीं आई वहीं के वहीं रह गई तो क्यों तो इसमें ये तीसरे शख्स वाला तो आपने मफहम समझ लिया कि यहाँ पर लिखना है या फिर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ से शुरू से मतलब कि के, के तीन आदमी सफ़र कर रहे थे और रास्ते में सोने की तीन ईंटें इन्हें मिली और बस ये फिर ये छोड़ देना जिसका ताल्लुक सवाल से नहीं है तीन ईंटें मिली इसके बाद तीनों ने ये मशवरा किया तीन लो, तीनों शख्सों ने तीन आदमी ने मशवरा किया कि तीसरा जो आदमी है वो खाना लेने जाए और दो आदमी मतलब के ईंट की ये कह लीजिए कि हिफाजत करें तो चूँकि तीसरा आदमी गया उसकी नीयत बदल गई उसने ये सोचा कि मैं जहर मिला देता हूँ वो दोनों खाना खाएंगे मर जाएंगे और यहाँ पर भी जो दोनों आदमी थे मतलब उन्होंने भी देखे ये रहा दोनों साथियों ने भी ये बात तय कर ली कि हम दोनों मिलकर उसको मार डाले जो तीसरा आएगा ना ताकि उसके हिस्से भी ईंट हम लोगों को मतलब हमारी हो जाए तो जब तीसरा शख्स खाना लेकर पहुंचा तो अचानक ये दोनों उस पर टूट पड़े और उसको जान से मार डाला ठीक है अब वही जो जहरीला खाना वो लेकर आया था तो भूखे पहले ही से थे जब कत्ल से फारिग होकर उसके खाने को खाया तो फिर ये दोनों है ना जो ईंट के पास रुके थे भी मर गए और सोने की ईंटें वहीं धरी रह गई ये हमारा हो गया यूँ कह लीजिए दूसरे का पूरा जवाब अच्छा तीसरा है दूसरे का हक मारना बुरा काम है या अच्छा दूसरे का हक में जो हो उसको मार लेना ले लेना छीन लेना हड़प लेना ये कैसा देखिए इसका जवाब यहाँ पर है कि खबरदार दूसरे का हक मारने के लिए तुम कभी लालच न करना यानी लालच जो है वो बहुत बुरी बला है बुरा है तो इसको हमें इस तरह सेट करना है कि दूसरे का हक मारना बहुत बुरा काम है ठीक है अब इन शवल आगे जो सबक है वो सवाल जवाब के पार्ट नंबर दो